इस जगह पे ठीक एक हफ्ते पहले मैं और राहुल हम दो बंदे आके गए थे, और एक जो मेन चीज है वो ये है कि आज ये देखो ये पूरे शीशे तोड़ रखे है। यहाँ पे अभी भी वो बेड रखा हुआ है जो फैमिली यहाँ पे रहती थी, कोई जादू टोना करके छोड़ा हुआ हो। तो ये इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको एक डिस्टेंस का आइडिया रहे कि इस बार हम कितनी दूर बैठे हुए हैं। तो हमारे होने की वजह से वहां पे कोई हलचल हो ही नहीं सकती। What's up guys? स्वागत आप सभी का फिर से एक हॉरर व्लॉग में। और आज जिस जगह पे हम आ चुके हैं, इस जगह पे ठीक एक हफ्ते पहले मैं और राहुल हम दो बंदे आके गए थे। और यहाँ पे एक बार थोड़ा सा साइड हो जाओ, पीछे की तरफ अगर आपको दिखाई दे रहा जो कमरा हल्का फुल्का शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो कमरा है इस कमरे के अंदर कुछ जादू टोना किया हुआ था किसी ने। वहाँ पे EMF मीटर में कंटिन्यूअस सिग्नल मिले थे हमें पिछली बार, तो वो वीडियो ड्रॉप होने के बाद में आप लोगों के बहुत कमेंट्स आए कि यार वहाँ पे दोबारा जाओ फिर से देखो कि क्या अभी भी सिग्नल मिलते हैं कि नहीं मिलते, तो इसलिए हम फिर से यहीं पे आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो भाई ये घर देख लो, ये पूरा का पूरा एक घर है जिसमें जो इधर वाला एरिया है ये थोड़ा सा नया बनाया हुआ है, उधर वाला एरिया थोड़ा सा पुराना है। तो ये पूरा वहाँ से स्टार्टिंग है इस घर की, प्लस इधर की तरफ वाला भी कुछ और पार्ट था जो अब टूट चुका है। देखो सारे पत्थर वत्थर टूटे हुए पड़े हुए हैं यहाँ पे, और पीछे की तरफ पहाड़ है और थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया है। ये जो घर है ये भी फॉरेस्ट एरिया के अंदर ही आता है, और उसी वजह से यहाँ पे ये सारी दिक्कत हुई थी। जो भी यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था उसका मेन रीज़न ये था कि ये पूरा का पूरा घर एक फॉरेस्ट एरिया के अंदर है। आसपास में जितना भी ये खेत है ये पूरे के पूरे खेत भी फॉरेस्ट एरिया के अंदर ही आते हैं। तो यही एक कारण था जिसकी वजह से वो हादसा हुआ, जिस हादसे के बाद में लोगों का ये कहना चालू हुआ कि हाँ यहाँ पर कोई बुरी शक्ति है। और अभी मैं आपको समझाता हूँ कि वो बुरी शक्ति कौन है किसकी है, पर उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे अभी भी वो बेड रखा हुआ है जो फैमिली यहाँ पे रहती थी। जिसने पिछली वीडियो देखी है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर लग रही होगी सारी जगह, जो अब देख रहा उसको मैं सिर्फ एक छोटा सा ग्लिम्स दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो का जो मेन पर्पस है वो पर्पस है इन्वेस्टिगेशन का। उस एक कमरे में जो उधर की तरफ है, इस तरफ जो कमरा है ये वाला, इस कमरे में ही है मेन पर्पस इन्वेस्टिगेशन का। बट फिर भी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये घर कैसा पूरा का पूरा। तो ये देख लो कुछ इस तरीके से कमरे बनाए हुए हैं, रसोई बनाई हुई है जिसमें अब फिलहाल कोई नहीं रहता, पहले पूरी फैमिली रहा करती थी। और देख सकते हो आप काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है ये घर, छोटा सा एरिया है, और कोई एज सच स्पेशल चीज़ है नहीं। बाकी सब सामान तो यहाँ पर बचा नहीं है, केवल एक ये बेड है, इसलिए मैंने पहले ही आपको ये बेड दिखा दिया। अब चलते एक बार उस रूम में, उस रूम में क्या वो ख़ास चीज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि स्टोरी क्या थी यहाँ की। तो ये देखो ये वाला जो रूम है ना, इसकी एंट्रेंस एकदम अलग है, ये अटैच्ड नहीं है। इस तरफ से जो मेन घर है इधर से आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, एकदम ये सेपरेट है, ये रूम सेपरेट है। अब भाई इसमें हम पिछली बार जब आए थे ना तो हमें एक चीज़ दिखाई दी थी, वो अभी भी दिखाई दे रही है। ये देखो यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है किसी ने कोई जादू टोना करके छोड़ा हुआ हो। देख रहे हो सिंदूर और टूटी हुई चूड़ियाँ यहाँ पे है, और एक जो नई चीज़ दिख रही है ये देखो ये क्या चीज़ है, ये भी ऐसा लग रहा है कोई तावीज़ वगैरह बांधा हुआ हो। और एक जो मेन चीज़ है वो ये है कि आज ये देखो ये पूरे शीशे तोड़ रखे हैं। पिछली बार ये पूरे के पूरे ब्लू शीशे एकदम साफ सुथरे ऐसे ही थे, लेकिन अब देखो सारे कांच बिखरे हुए, ऐसा लग रहा है किसी ने आके तोड़ा हुआ हो। या फिर लोग तो ये भी कहते हैं कि बुरी शक्ति है यहाँ पे, उसका भी ये काम हो सकता है। तो खैर आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया है कि कैसी ये जगह है। तो देखो फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ स्टोरी क्या है यहाँ की, जिसको डिटेल में सारी चीज़ें देखनी हो, घर कैसा था एक एक चीज़ें स्टोरी बिल्कुल डिटेल में जाननी हो, वो पिछली वीडियो देख लेना। बट मैं एक मोटा मोटा पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ, मोटा मोटा ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या कहानी है यहाँ पर। तो बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया, ये पूरा का पूरा घर और खेत वेत ये सब ना फॉरेस्ट एरिया के अंदर आ गए हैं, ठीक है। पहले जो लोग यहाँ पर रहते थे उनको इस बात से कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोगों ने कभी भी कोई दिक्कत दी नहीं। लेकिन पिछले कुछ साल पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आया इनके पास में कि भाई अब आपको ये जगह खाली करनी पड़ेगी क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है। अभी क्या हुआ कि उस बात पे रजामंदी हुई नहीं थी
कि एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बंदा था जो सोच रहा था कि मैं बीच में पैसे कमा लूँगा, उसके लिए उसने क्या किया कि रात के टाइम पे इनके पास आके वो डील करने लगा कि भाई मैं आपका सारा जुगाड़ करवा दूँगा, आपको खाली करना नहीं पड़ेगा, इतने पैसे मैं लूँगा, इतने इतने ये होगा। तो उस बात पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गए और मतलब इनके बीच में हाथापाई हो गई फॉरेस्ट वाले एरिया के बंदे के बीच में और इनके बीच में जो यहाँ पर रहते थे। तो उस हाथापाई में बताते हैं कि भाई उसको मार दिया गया था जो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बंदा था। कुछ लोग ये कहते हैं कि उसको मार के उसका सर काट के यहीं पे दफना दिया गया था, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ मारा गया था लेकिन ऐसा सर्वर काटने वाला काम नहीं हुआ था। तो ये सीन है भाई। उसके बाद में कुछ लोगों को तो पकड़ के पुलिस ले गई थी जो इस फैमिली के लोग थे, कुछ लोगों को नहीं लेके गई थी क्योंकि उनके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं था, कोई उनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं आई थी। लेकिन जिन लोगों को नहीं लेके गई थी जो यहाँ पे रह रहे थे बाद में भी, उन लोगों को फिर बाद में उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले बंदे की आत्मा सताने लगी, तो फिर वो भाई यहाँ से भाग गए। तब से फिर यही अफवाह है कि भाई यहाँ पे है अभी भी वो। तो ये सीन है। अभी मेन सीन ये है कि जो कमरा भी दिखाया आपको जिसमें सिंदूर वगैरह है, उस कमरे में पिछली बार जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे EMF मीटर से, तो कॉन्टीन्यूअसली वो ब्लिंक कर रहा था, कॉन्टीन्यूअसली उसमें सिग्नल मिल रहे थे। मतलब ऐसा नहीं था कि हम सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब आ रहे हैं, बस उसमें सिग्नल मिले जा रहे हैं कॉन्टीन्यूअसली। तो उसका कोई रीज़न समझ में आया नहीं था। वही दोबारा देखना है कि क्या आज भी सिग्नल मिलेंगे कि नहीं। इससे पहले कि हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करें, मैं आपको गूगल टाइम दिखा दूं ताकि आपको ये पता चल जाए कि रात के किस टाइम पे हम यहाँ पे आए हुए हैं। मैं सर्च कर लेता हूँ जरा एक बार ताकि फिर आपको एक बात का अंदाज़ा हो जाए कि क्या ये टाइम हो रहा है अभी जिस टाइम पे हम यहाँ पे आए हैं। ये देखो 12:19 हो रहे हैं। फोकस कर ले भाई, हो रहा है? और इसको मैं एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ। ये देखो 12:20 हो चुके हैं, ठीक है? तो टाइम अब आपको पता चल चुका है कि किस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहे हैं। अगर कोई और जवाब मिलता है आज भी तो पूरी कोशिश करेंगे बाकी सब गैजेट्स यूज करने की, अगर कोई जवाब नहीं मिलता है तो फिर बात ही क्या है। तो ये लो जी, सामने की तरफ मैंने EMF मीटर को सेट कर दिया है। थोड़ी सी मैं रोशनी डाउन कर लेता हूँ ताकि अगर अब कोई भी हलचल उसमें हो तो हम सभी को अच्छे तरीके से दिखाई दे। पिछली बार तो इतनी देर में तो कंटिन्यू सिग्नल मिलने लगे थे, लेकिन अब की बार फिलहाल EMF मीटर एकदम ब्लैंक है। कोशिश करते हैं कुछ सवाल पूछने की अगर कुछ होता है तो। और वही है, अगर यहाँ पे किसी की भी आत्मा मौजूद है जो हमसे जुड़ना चाहे, हमसे बात करना चाहे, तो कृपया इस कमरे में आइए। मैं एक बार फिर पूछता हूं, अगर यहां पे उस फॉरेस्ट ऑफिसर की आत्मा मौजूद है जिसको यहां पे मार दिया गया था, तो आप कृपया करके हमारे पास आइए, क्योंकि पिछली बार जब हम यहाँ पे आए थे तो आपने काफ़ी अच्छे तरीके से हमसे संपर्क बनाया था। क्या इस बार भी आप ऐसा कर सकते हो ठीक उसी तरीके से जैसे आपने एक हफ्ते पहले ये सामने रखे हुए मीटर में कुछ लाइटें जलाई थी, ठीक उसी तरीके से क्या आप लाइटें जला सकते हो? कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा भाई। बाकी मैं अभी ना अपने फ़ोन की भी वीडियो ऑन करने वाला हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि कैमरा यहाँ पे रखा हुआ है, लाइट यहाँ पे रखी हुई है, राहुल यहाँ पे है और ये जो दूसरा भाई रोहितास है यहाँ पे है और सामने की तरफ EMF मीटर है। तो ये इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको एक डिस्टेंस का आइडिया रहे कि इस बार हम कितनी दूर बैठे हुए हैं। तो हमारे होने की वजह से वहाँ पे कोई हलचल हो ही नहीं सकती। तो बस उसी आइडिया के लिए मैं आपको बीच बीच में दिखाता रहूँगा, अगर कोई हलचल होगी तो भी मैं फटाफट से अपनी तरफ करके आपको दिखा दूंगा कि भाई हमारी तरफ से कोई वो नहीं हो रहा है। तो अभी तो खैर कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा, तो वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर है सच में कुछ यहाँ पे तो आपसे मेरा निवेदन रहेगा, आप कृपया कर सके हमसे बात करिए, आप कुछ ऐसा करिए
जिससे हमको भी यकीन हो सके कि आप हो यहाँ पे। भाई पिछली बार आया वैसे सिग्नल, तो अभी तो आ नहीं रही है भाई। एक भी सिग्नल नहीं है इस बार। पिछली बार तो भाई इतनी देर में तो पूरा ईएमएफ मीटर फटने को तैयार हो गया था, रुकने के लिए तैयार नहीं थे पिछली बार तो सिग्नल। इस बार आ नहीं रहे, पिछली बार रुक ही नहीं रहे थे। सवाल पूछूं ना पूछूं खाली बैठे तो भी सिग्नल आ रहे थे, इस भाई बार बिल्कुल नहीं आ रहे। रोहित रोहित भाई आया तभी। का आने की वजह से नहीं आ रहेगा है? है रोहित रोहित आज पॉजिटिव एनर्जी लेके आया हमारे साथ। नहीं तुम बाहर जाइयो एक बार, क्या बात है, इसके बाहर जाने के बाद आ जाए सिग्नल। रोहित चला गया भाई बाहर, देखे जरा और दूर चला जा भाई। दूर जा, बस जाइयो पर इसी लाइन में ताकि दिखता रहे। बस 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 गायब हो गया, अब तो तू वहीं रह, वरना कोई बोलेगा कि गेट के पास जाके इसी ने सिग्नल दे दिए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, उधर सामने की तरफ गया हुआ वो आगे की तरफ, वो देखो खांसने की भी आवाज आ रही होगी आपको दूर से। अगर यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी बुरी शक्ति या अच्छी शक्ति मौजूद है जो हमें अपने होने का एहसास करवाना चाहे, तो आप कृपया करके हमारे आसपास आइए। हम चाहते हैं आपसे मिलना, हम चाहते हैं आपसे बात करना, हम चाहते हैं कि हम आपके बारे में समझे और सबको समझाएं। तो आप आ सकते हो हमारे पास। भाई पिछली बार सिग्नल आया वैसे सिग्नल दिखाए हमें वो तो। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि आपको क्या करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिर्फ हमारे आसपास आना है, सामने की तरफ जो एक चीज़ रखी है आपको उस चीज़ के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करनी है, आप कुछ भी कर सकते हो उसके साथ में, उसे आप उठाने की कोशिश कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। उससे हमें एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आप हो यहाँ पे। सिग्नल एकदम ब्लैंक है, रोहित देखो वो खड़ा सामने आगे की तरफ आ गए, पहले पीछे चला गया था, बट सिग्नल स्टिल ब्लैंक है। आजा आजा, तेरे आने ना आने से कुछ नहीं हो रहा भाई, तेरे पास में कोई शक्ति नहीं है ऐसी। रोहित सोच रहा होगा फिर बाहर जाते ही सिग्नल आ जाए तो भाई साहब हम तो कह देंगे कि हम ही आए पॉजिटिव एनर्जी लेके। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आज कोई भी सिग्नल नहीं देखने के लिए मिल रहे। तो यार लगभग 1 घंटे तक हमने काफी कोशिश करी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने की, लेकिन बिल्कुल ब्लैंक, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया इस बार। अभी इसका क्या रीजन है क्या नहीं है मेरे समझ से बाहर है। मे भी ऐसा कुछ हो सकता है कि उस टाइम पे यहाँ आसपास में कोई भी पावर सप्लाई होगी या कुछ भी ऐसा ही बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी का सोर्स होगा, या इलेक्ट्रिसिटी की कोई तार वगैरह में हाई वोल्टेज आ रही होगी, जो भी एक्स वाई जेड रीजन होगा। पिछली बार भूत का अगर रीजन होता तो वो 1 हफ्ते में गायब नहीं हो सकता, गलत कह रहा हूँ। भूत का अगर रीजन होता तो 1 हफ्ते बाद भी वो यहीं मिलता, लेकिन ऐसा कुछ तो यहाँ पे है नहीं। तो ये छोटी सी कंफ्यूजन थी हमारे दिमाग में और आपके दिमाग में, जिसके लिए आपने इतने कमेंट्स करे, और यही वो चीज है जिसने ये कंफ्यूजन शुरू करी, यही वो चीज है जिसने ये कंफ्यूजन अब खत्म करी है। तो ठीक है यार, मेरे ख्याल से इस वीडियो अननेसेसरी हम 1-1.5 घंटे 2 घंटे का करें, उसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि बिल्कुल ब्लैंक है ईएमएफ मीटर, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सो बस यही इस वीडियो में भाई, अगर वीडियो ठीक लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर कमेंट जरूर करें भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले आ ये भाई। मेहनत खूब लग रही है भाई की, खूब देख रहे हो आप भी कितनी मेहनत लग रही है, कितना जंगलात है, खूब फॉरेस्ट एरिया खूब भूत है, भूत है खूब। राजेश भाई भूत है, राजेश भाई चलो 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 चलो। But some wells my light you spend, try your luck or guess there now, have the best casino in the game swim. For a bet.